मिलता है। सबसे पहले तो भैया देखिए, हम पवन भैया का भक्त नहीं है, फैन नहीं है, हम भक्त हैं। अच्छा। वो मेरे लिए महादेव के समान है, वो मेरे लिए भगवान है। जब छोटा सा ना, तब से पवन भैया का एकदम मैंने पूछते हैं, भगवान की तरह उनको हम पूछते हैं। लेकिन पावर एज से स्टार्ट होला, हम कैला से कुछ ना होला। आज के पवन सिंह का ये लग रहे हैं कि जबरा फैन है, जैसे कि देखने से लगता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पवन भक्त म्यूजियम। मेरा गाड़ी 7-8 गाड़ी है, ब्रांड है, और इस बार ही कोई नहीं रोक सकता पवन सिंह को, मेरे भैया को जीतने के लिए। जय पवन, तय पवन, रोकेगा कौन, ये बात है पवन सिंह में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जैसे आज से नहीं, मेरा कल से भैया कर रहे रैली चला, मैं हर जगह गाड़ी को लेकर गया हूँ, हर गैरेजी में कोई आओ। कला दिखाना कोई नचने बजने नहीं होता है, हर क्षेत्र में कला है, चाहे वो आप काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से आप ही का कला भी है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे को कला है, अगर वो कला कर रहे हैं तो कला का ना, इससे आज से 19वीं सदी से इससे पहले भी जाइएगा 18वीं सदी में, तो नाटक्रिया होता था इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप प्यार। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अभी काराकाट लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और यहाँ पर लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मगर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, पवन सिंह का ये लग रहे हैं कि जबरा फैन है, जैसे कि देखने से लगता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पवन भक्त म्यूजिक मार्कर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अमित जी, अच्छी बताइए कि आपने पवन फैन लिखा है, पवन भक्ति लिखा है, आखिर पवन जी से आपको क्या मिलता है? सबसे पहले तो भैया देखिए, हम पवन भैया का भक्त नहीं है, फैन नहीं है, हम भक्त हैं। अच्छा। वो मेरे लिए महादेव के समान है, वो मेरे लिए भगवान है। जब छोटा सा ना, तब से पवन भैया का एकदम मैंने पूछते हैं, भगवान की तरह उनको हम पूछते हैं, इसलिए हम फैन नहीं हैं, बस भक्त बनकर रहना चाहते हैं उनके लिए, और ज़ोरदार समर्थन होना चाहिए हमारे पवन भैया के लिए। पहली बार इलेक्शन में वो आ रहे हैं हमारे क्षेत्र काराकाट क्षेत्र से, तो हम बस उनको अपना बेटा समझ कर, अपना भाई समझ कर, सारे लोग अपने मत दीजिए, और पूरा देश में काराकाट का परचम लहरवाइए, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारे पवन भैया अगर जीत जाएंगे तो उनसे ज़्यादा विकास करने वाला और कोई नेता नहीं होगा, हम खुलेआम बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पवन सिंह को लोग कहता है कि लचनिया और बजनिया है वो। देखिए, पहली बात कि मीडिया बंधु को मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कला दिखाना कोई नचनिया बजनिया नहीं होता है, हर क्षेत्र में कला है, चाहे वो आप काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से आप ही का कला भी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे को कला है, अगर वो कला कर रहे हैं तो कला का ना, इससे आज से 19वीं सदी से इससे पहले भी जाइएगा 18वीं सदी में, तो नाटक्रिया होता था इसमें, उसको गलत मजाक अब बना के और पेश कीजिएगा, ये गलत चीज़ है। और पहली बात है कि सेवा भाव, जब जनता के सेवा भाव लेकर उठ गए हैं तो उनको पैसा की कमी नहीं है। अब पहली बार ऐसा काराकाट में होगा कि जात पात से ऊपर उठ कर यहाँ की चुनाव होगा, और पवन सिंह जीतेंगे, और हर समाज, ये नहीं कि सिर्फ एक समाज, हिंदू मुस्लिम जो भी होते हैं, जादव समाज हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे जो समाज हो, सारा समाज को वोट उनको मिलेगा। और यहाँ आप आज तक पहले पूर्व में कभी नहीं देखे होंगे कि काराकाट हॉट सीट बना था, लेकिन इस बार पहली बार बाड़मेर के बाद काराकाट हॉट सीट बना है, राजस्थान के एक बाड़मेर और दूसरा बिहार का काराकाट हॉट सीट बना है। और मैं वादा करता हूँ कि ये चुनाव जीतेंगे, और बहुमत के साथ जीतेंगे, और फुल सपोर्ट के साथ जीतेंगे, और सब समाज का सपोर्ट है। 12 बजे से पहले चुनाव जीतेंगे पवन सिंह, पूरा भाई का सपोर्ट रहेगा। अब ऐसा नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ में हर नेता को हम लोग सपोर्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं सपोर्ट। आज पवन सिंह का देख रहे हैं, इनका देख जलवा देखेंगे, लेकिन पावर एज से स्टार्ट होला, हम कैला से कुछ ना होला। अच्छा, ये बताइए कि आप पवन सिंह के जो टी शर्ट पहन लिया, तो आपके मम्मी पापा परिवार वाले नहीं बोलते हैं? नहीं, वो सब देखिए, हम बचपन से ही बोल रहे हैं ना, कि बचपन से ही हम उनको भगवान की तरह पूछते आए हैं आज तक। कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहा, लेकिन बस मन्नते जब दिल में होगा तो भगवान तो भाई सामने आ ही ना जाएंगे, वो मेरे लिए बस भगवान है, भगवान है और भगवान ही रहेंगे। अच्छा, पवन सिंह से आपको कितना उम्मीद है? देखिए, पवन सिंह से हम लोग को बहुत उम्मीद है, हम लोग बहुत सांसद चुन कर देख लिए हैं, लेकिन हम लोग के पूरा मन में है कि जो पवन सिंह कर दिखाएंगे आज तक वो कोई कहीं कर दिखाए, और इस बार काराकाट पवन सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अच्छा, पहले भी हमारे यहाँ काराकाट क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जी भी जीत चुके हैं, महाबली जी भी जीत चुके हैं, इन लोगों ने भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश किया है जनता की राय से। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग ने चुना भी और मंत्रिमंडल में भी गए, लेकिन आज तक इस क्षेत्र के बारे में सोचे नहीं, इधर से उधर घूमते रह गए, लेकिन इस बार काराकाट पवन सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा।
और पुरजोर समर्थन हम लोग काराकाट के जनता उनको देंगे। चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं तो पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनका सपोर्ट करूंगा, हमेशा करता हूँ। अच्छा जी, अभी काराकाट में उनका एकदम 100% है कि उनका जीत एकदम पक्का है, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट है हम लोग का। मगर मैं आपको बता दूँ या लोगों का भी राय है कि अभी राजा राम सिंह भी जो आए हैं एक लोकल और क्षत्रिय नेता है, मैंने क्षेत्रीय नेता है, वो भी एक अच्छे काम कर लिए हैं लोगों ने जैसा कि बोला है, उस पर भी कुछ आप राय दे सकते हैं। नहीं क्षेत्रीय है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा अवर में युवाओं का मौका मिलना चाहिए, अवर में युवाओं को अगर मौका मिलेगा तो उनसे ज़्यादा बेहतरीन काम करेंगे हम लोग का कार्यकाल क्षेत्र में, और हर तरफ से उनका सपोर्ट है हम लोग का, और मेरी तरफ से जितना है हम लोग तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है हम लोग का युवाओं की तरफ से। चलिए दोस्तों जैसे देख रहे हैं यहाँ पर देखने के बाद आपको समझ में आएगा जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पर आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? पावर स्टार पवन सिंह। अच्छा। बड़े पवन सिंह के बड़े फैन हैं, इनसे बात कीजिए, इनके बारे में पूरा बताएंगे। बोलिए। पवन सिंह जीत रहा है, जीतेंगे क्योंकि पवन हवा है, अब हवा को कोई रोकता नहीं है और ना ही वो रुकेंगे। इस बार काराकाट में पवन सिंह, समझ गए, पवन सिंह कोई नहीं रोकेगा। पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है और यहाँ पर ही काफी लोग हैं, फैंस लोग आए हुए हैं जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पर आप भी किसे सपोर्ट करने वाले हैं? आपको पता है कि अभी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र से आपको उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, राजा राम जी भी हैं, और निर्दलीय से पवन सिंह भी हैं, आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी राय? मैं पवन सिंह को सपोर्ट करना चाहता हूँ, जीत एकदम पक्का एकदम। अच्छे जी, आप पहले ही बोल रहे हैं कि जीत पक्का है भी, ऐसा ऐसा क्यों? सभी यंग लोग का चाहत है कि आपकी में पवन सिन्हा है जी। तो जैसे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार आप किसका, आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं? जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा काम माने फिर अभी तो हमें पता भी नहीं चला कि कौन कौन लोग खड़े हैं पार्टी के। अच्छा तो मैं आपको पवन सिंह के अच्छे उम्मीदवार हैं जी, तो उम्मीद है कि उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, और आप किसे सपोर्ट करेंगे? आप भागे नहीं? हम भाग नहीं रहे। हाँ बताइए किसे? हम काराकाट में नहीं, हम लोग के वोट हो चुका है। अच्छा हो चुका है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं है, इधर देखिए बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। इधर देखिए, अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग काराकाट क्षेत्र से है ना? हम यहाँ के नहीं सर। अच्छा आप लोग भी यहाँ का नहीं, इन लोग यहाँ का नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे चलने के बाद मुझे एक फैन मिले हैं पवन सिंह का, जिसमें ये देख लीजिए कि गाड़ी का नाम क्या है, KTM। KTM ये गाड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस पर लिखा हुआ है पावर स्टार। ये पावर स्टार आखिर ये क्यों लिखे हैं गाड़ी पर? मेरे जैसे भैया पवन सिंह हैं, उनके लिए मैं बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ कम बोल सकता हूँ उनके लिए, वो मेरे लिए भगवान के रूप में हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, मैंने उनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि हर मेरा गाड़ी पर, हर गेड़ा गाड़ी पर मेरा देख सकते हैं कि पावर स्टार एक अलग ही मेरा अथी है, मेरा गाड़ी 7-8 गाड़ी है, ब्रांड है, और इस बार ही कोई नहीं रोक सकता है पवन सिंह को, मेरे भैया को जीतने के लिए। जय पवन तय पवन, रोकेगा कौन, ये बात है पवन सिंह में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जैसे आज से नहीं, मेरा कल से भैया कर रहे रैली चला, मैं हर जगह गाड़ी को लेकर गया हूँ, हर गए में कोई भी नहीं लेने, मेरे भैया के लिए जो होगा मेरे से बनेगा, मैं वो करूँगा पवन सिंह के लिए।